पंडित जी आए गए ले वाला है। हाँ बुला लाई। चलो कुर्सी लेके आ भेन, कुर्सी पर पंडित जी को बैठा। पंडित जी चलो भीतर बुलाया है बहन ने, अंदर बुलाया तुम्हें। भैया मैं ना जा रहा हूँ अंदर। क्यों नहीं जाओगे? 9 महीना में तो अभी आओ तो फिर अंदर भेज रही है। ए, चलो ना ना क्या भीतर चलो। हाँ भीतर बोल बोल तू ही मतलब सही से बोल ना, रगड़ दूंगा। भीतर चलो। डरवाएगी ना डरवाएगी? हाँ हाँ डरवाऊंगी। अग्गारी पे घी? हाँ भैया पहुंचती है। चलो भैया मैं कहाँ पे हूँ बताइए मुझे, मैं तो कुछ दिखाई ना दे रहा हूँ। जल्दी हवा कर दे पंडित जी की मिर्गी आ गई ना। अरे अम्मा तू कहाँ से आ गई? ए नास पीटे मौसम। भैया मैं कान मुंह में है, मैं तो फूल गाऊ। क्या कह रहे फूल गाऊ? मैं सब भूल गाऊ। अच्छा भूल गए। मैं हूँ दासी, ये है रानी सुरजा। अच्छा सुरजा रानी। मैं जाको आदमी हूँ। भैया मैं बताते यार 10 मिनट चली गई, ऐसा कैसो मूड़ा डारो भैया का, मैं ऐसा लग रहा हूँ स्वर्ग में को जा रहा हूँ सीधो। पंडित जी तुम बैठाओ तब बताऊंगी, बैठ जाओ। जा जा पहले बैठ, दूसरो ला। इतने चूतिया ना है, एक दफे ठोकर लगती है। अरे रहने बालक है। हाँ अगर उल्टे मंत्र पढ़ दे ना मैंने तो उल्टी चले गई फिर। खातरदारी पंडित की भैया कबूल है भैया, अफर है। हाँ जी पहले मेरे दिन देखो। तेरे दिन देखो, तेरे दिन देखने लागी है रही है। कैसे दिन देखो जी बता। मेरे ऐसा देखो कि मेरा कोई बाली बच्चे हुए वो ना, तो बालक ना है कत्ते ना है। शादी क्या साल है गई? शादी क्या साल है गई? 10 साल है गई। तो बालक ना है अब है जाएंगे, पंडित जी आएंगे, अब मंत्र बढ़िया पढ़ के जाएंगे, बढ़िया आशीर्वाद दे के जाएंगे। नाम बता कहा नाम है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा तेरे तो बहुत खूब चूतन नाम हुए, अब समझ में आएगी मेरे। सुंदर नाम है। हाँ खूब सुंदर नाम है, आप समझ में आएगा। पंडित जी मेरी बहन का नाम मैं दुर्गा रहा हूँ। कोई बात ना, तो दिन दिखवा रही है बालक है जाए। देख जे है क्र की, जे है 2 नंबर पे क्र का, आंखें बंद करके उंगली रख दे काऊ पे, जा पे इच्छा करता आप पे।
दिन देख रहा हूं पढ़ रहा हूं कि का भो तेरे मुसटिया की पूछ ना होगी क्यों ना होगी अरे तेने कर का पे उमरिए धत्ते जो कर की मौ फैलाते रह गई कहां से जाई मुसटिए पूछ कर की पे रखती चलिए लिख जा ना पंडित जितने गुस्सा में आ जाएंगे ना उतने पेलेंगे तो अरे पंडित जी महाराज मेरी छोटी बहन है ये छोटी है बहुत खोटी है हैं तू बता तू का दिखवा बे तू दिन दिखवा बे दिखवा ले तेरे देखूंगा पंडित जी देखने को ही आए हैं कोई दिखवा बो अपनी खोलो मेरी देखो पूरे तेज हुए का खोलो का देखो जे बता पत्रा पहले पत्रा कह दे कुछ ले दिन देखो मेरे दिन कैसे दिखवाएगी बालक बच्चे होंगे ना अरे तू बालक अरे खुद बालक मत जाई टेटरी चलो कोई बात ना नाम का है तेरो टंगिया टंगिया मैं तो ऐसे नाम आता पत्थर बिना पड़ो है वो तो बड़ा मजा आओ टंगिया नाम पढ़ो कैसे यार अरे पंडित जी महाराज ये हमारी बहन बकरी चुवाती बकरी सुलवासा देखती बकरी चुवाती अच्छा सुलवासा देखती लड़कों ने इनका नाम टंगिया धर दो टांग लेते अच्छा लवासा दे खेलते पे काऊ ने डंडा पर टांग ले डंडे पर टांग ले तब तो टंगिया नाम है दो जा का कर रहे हो बहन जो डंडी पर गई देख जे कर की जे कर का आंखें बंद करके एक पे रख दे हाथ उंगलिया मेरी आंखें दिख रही तेरे आंखें ना है मेरी बंद कर लेके देखूंगा का फिर कुछ नहीं अपनी आंखें बंद करके जा पर रख कर कर का पे कोई से पे एक पे कूदे मत अंतरात्मा से बहुत लगाते ना मुझे मर मंत्र हुए रे तेना बथुआ साग खा लो दिन रात तेरा कछना है रो बथुआ साग खाओ वो तुमने अब साग मत खाइए वो फैला रही है निकल ले यहां से भैया और कोई है अरे पंडित जी आप महाराज मैं हूं तू हैगी जी वो तो दिख रही हैगी हां मेरे दिन देखो तू दिन दिखवाएगी जी तो कैसे दिखवाने वो दिखवाने कैसे मुझे देखो दिन दिखवाने अगाश्रम अगला की है कि ना है अच्छा जी आपका नाम क्या देवी मेरा नाम सुरजा सुरजा तेरे ढीले पर गए पुरजा ए पंडित जी महाराज सुरजा रानी और एक आंख की कहानी अरे मंत्र पढ़ रहा तू मुंह पर ध्यान मत दे तू बता दिन दिखवाएगी हां दिन दिखवाऊंगी देख एक नंबर किर का दो नंबर किर की आंखें बंद कर जल्दी पत्र खोलो महाराज रखता हूं और या तो रखे अरे मेरी क्या फूल रही है अपनी फूल ले आंखें धरे मरिया और पत्रा खोली महाराज ने और कर्म तेरो से रेखा कह रही है अच्छा आपके सातों जन्म कोई संतान नहीं है मेरे हाँ नहीं कोई कर दे तुम ही कर दे हो पंडित जी महाराज एक मेरी बहन है और तेरे एक बहन और है हाँ का नाम है मेरी बहन है मंजा मंजा सतपुरन पे
काग रखा रही है। अच्छा उनके दिन और देखो, उनके भी दिन देखने हैं। जी बन जाना है, ठीक है। और पत्रा खोली महाराज ने, और हाँ भैया, गांव में जनाने बच्चे जो भी हैं, सभी लोग दावत खाने के लिए मंदिर स्थल पर आए। जनाने बच्चे सभी लोग दावत खाने के लिए मंदिर पर आए। बोल शंकर भगवान की जय। बोल रानी साहब, रानी मंझा, हाँ तुम्हारे लिए क्या इनाम देती है? देखिए, हाँ वो पुत्र ऐसा जनेगी चारों दिशा में उसका नाम होगा। और सुन रही हो तुम, आप कहना चाहती हो कि रानी मंझा के पास आप जाते हो जी, तो दान दक्षिणा में क्या पाते हो? क्या पाते हो? देखिए, ईमानदारी से, इज्जत से, जो भी हमें एक आना, दो आना, एक मुट्ठी शेर भर जो भी देती है, उसमें गुजर कर लेते, खुश होकर चले जाते हैं। एक मुट्ठी में गुजर कर लेते हो? हाँ रानी साहब, हम एक से एक रानी है, एक से एक रानी हूँ जी। हाँ, और एक एक मुट्ठी देंगे तो कितने हो जाएंगे? 100 मुट्ठी हो जाएंगे रानी साहब। हो जाएंगी ना? हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे। और 100 जूता देंगे तो? 100 जूता दे तो 100 जूता है जाएंगे? है जाएंगे ना? है जाएंगे। तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हमारे कहने का मतलब ये है, रानी मंझा को मरवा दो। मरवा दो जी? अरे तू होश में तो है? अरे उसे तेरा क्या बिगाड़ा जो रानी मंझा को मैं मरवा दूं? मरवा दो महाराज। अरे सुनो रानी जी, जी जे पंडित जी ऐसा तो मानेंगे ना? और कैसे मानेंगे? इनकी खातिरदारी करी जाए। बिल्कुल। अब ये बता, तुम भीतर खाओगे या बाहर खाओगे? 60, 60, 60, 60 और 70 दोनों चाहिए। आप कहती हो कि रानी मंझा को मरवा दे, मैं नहीं मरवाऊंगा एक से लाख तक। अच्छा, कत्ते नहीं मरवा सकता वो पतिव्रता। अंदर खाओगे या भीतर खाओगे, मानोगे ना मानोगे? छोड़ ना, चिपक जाएगी, मंत्र मार दो चिपक जाएगी। अरे सुन ले, अरे साड़ी फाड़ो जान बनाओ। भैया आज पर वो नंदा से फंदा, पंडित दिन देखने को आए, अपने दिन बिगड़ गए। 50 रुपए रामवीर ये भंडारे में दे रहे हैं, भगवान की मनोकामना पूरी करे। देख भैया, साड़ी फाड़ी मत फाड़े। क्यों? बिल्कुल मत फाड़े। जब पंडित जी रह गए बेचारे, बताओ मेरे बालक कितने छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे, इतने बड़े 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 बड़े, मुझे मरवा देंगे तो बालक कौन पाले? भैया तब मंजा को मरवाओ। मरवा दूंगा तो मरवाने की जल्दी है तो मरवा दूंगा। कितने दिन में मरवा दूंगा? 6 महीना में। और नीचे आओ। और नीचे आओ। 3 महीना में। और नीचे आओ। 2 महीना में। और नीचे। और नीचे जेकब हथेरी पे सस्व जमानवारी कहानी है। बिल्कुल। और नीचे आओ। 1 महीना में। और नीचे आओ। 10 दिन में। और नीचे।
देख देख, अगर तुझे मरमाना है हैं, मैं मेरी बात को करो यकीन, मंजा मरवाने में दिन लगेंगे तीन। ठीक है, लेकिन हमें देखो, हम इसी बात पे तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारा माल दे रहे हैं। दे भैया, ले पकड़ो, यहाँ में है 9 लाख का हार, लेकिन और जाओ जल्दी मरवाइयो। जबर मारे रो बन जाते, तुमने सही कही है। ना नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सोरंगी है, ढके तो सारे कुल को ढकले बरना नंगी के नंगी। किसी ने सही कहा है, आज पतवरता रानी के लिए मन मरवाने की हामी भरवा के भैया मैं चल दो, क्या अगर ना मरवा दो तो मेरे बच्चा को, मुझे, पूरे खानदान को सूली लगवाने का धमकी दे दिया। मरवानी पड़ेगी साहब, कोई बात नहीं, अब मैं घरे चलता हूं और घरे सामान रख के फिर राजा को उल्टा बेद पढ़ाऊंगा और राजा के हाथों से रानी मंजा को मरवाऊंगा। अरे हमारे घर से लेते आजा, गेट खोल दे, गेट खुलवाओ, अंदर आ जा। गेट खुलो रखती है, खोल के रखती हूँ मैं, ना मालूम कब पंडित जी कब आ जाए। क्या हवाले ने खोल के रखती है? ना ना ना, तू ना सुध रही, ना सुधरूंगी मैं। ले चल, ये 50 भैया भजनलाल मियां गंज के जाने वाले हैं, 50 भंडारे में देते हैं हम भैया जी को, धन्यवाद देते हैं। पंडित बताइए, चुप 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 चुप, क्यों शोर मत मचाइए, आराम से धल्ले माल पानी को, माल पानी में बाद में रखूंगी, पहले ये बताओ। हाँ, अब से पहले कभी तो माल लेके आए तो? अरे यार, दिन चेंज होने में कोई टाइम लगा तो है, समय पलटन मोए, सही बात बताओ, कहीं से चोरी करके आए? कहो दिन एक रोटी सूखी मिली, कहो टाइम घी से मिल जाती है, कहीं डकैती डाल ली तुमने? चुप चुप चुप, पंडित जी बहुत सब कहूंगी तुम्हें, ना बता दे जल्दी। अरे कुछ नहीं यार, तू राज करी, राज मैं राज ना करूं, मुझे पहले बताओ कहां से लाए हो जे? देख मैं बता दूं तो ब्रो तो ना माने, ना मानूंगी, खाइए मेरी सुन, तुम्हारी को सुन, मेरी सुन, तुम्हारी सुन, सही है। देख हाँ, वो कितना है, इतने कुआ इतने खाई, बीच में पंडित की आफत आई, वो हिसाब है गो भैया। कब आत है गई? रानी सुरजा ने धोखे से बुला लिया मुझे, फिर और मुझसे तरमाचे ले लिए और रानी मंजा के मरवाने के तरमाचे में देके चला आया, और उन्हीं ने उसी के लिए इतना खजाना माल खजाना बांध के भेज दिया है कि रानी मंजा को मरवाओ। पंडित जी हाँ, देखो तुम मर जाते हाँ, मैं मर जाती हाँ, लेकिन रानी मंजा नहीं मरती। ये तू कहना चाहती मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि यहाँ पे कोई शासन करने वाला नहीं है, नाम चलाने वाला नहीं है, 100 रानियां हैं राजा के, लेकिन मंजा वो पूरे नरबर को तार रही है, पतवरता रानी है वो हाँ। पर मैं क्या करूं, मुझसे त्रिमाचे ले लिया, अगर मैं नहीं मरवाता उसके लिए तो तुझे सुई लग जाती, बच्चों को सुई लग जाती और मुझे भी सुई लग जाती, हमारा कुल का विनाश हो जाता। तो पंडित जी हाँ, ऐसी कोई योजना चलाओ कि रानी मंजा बच जाए। तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर, पंडित है ठीक है, सांपू मारते की लठी उन्हें टूटेगी। तुम जाओ नरवर को और मैं जा रही हूँ महलों को, ये माल लेके जा रही हूँ घर के लिए, एसी के हवा में लेट जाएगा, मैं एसी लगवाए जा रही हूँ। सही है, इधर मजबूर है के पंडित भैया चल देता है, महलों के लिए चल देता, सोचता दिमाग में कि भैया मरवानी पड़ेगी, बाद त्रिमाचे भरना है, अगर नहीं भरता त्रियाचर चीज होती है कि सूली लग जाती, उल्टा वेद बताऊंगा, राजा के पास जाके उसे उल्टे ही पाठ पढ़ाऊंगा। अरे कर मसवरा पंडित चले, और मन में बड़े
राजा प्रथम का पाया है। पंडित महाराज पालांग खुश रहो, चिरंजीव रहो, सदा आनंद में रहो। पंडित महाराज विराजमान बैठिए। ठीक है महाराज। पंडित जी महाराज बताइए राजा साहब, इस समय आप बहुत दिन में आए हो हमारे पास। हाँ राजा साहब, ऐसा है मैं तो तीर्थ को चलता ही रहता हूँ। अच्छा, आपको पता है। हाँ बहुत, कभी काशी कभी हरिद्वार मैं चलता ही रहता हूँ। फिलहाल कहाँ से आए हो? अभी मैं काशी से उतरवा रहा था। अच्छा काशी से। हाँ तो जब आप काशी से आए हैं महाराज, तो कोई नया वेद या पत्रा कोई नहीं लेकर के आए होंगे? हाँ नया वेद नहीं पत्रा लेकर आया मैं, तो मैंने सोचा चलो राज साहब के महलों में घूमता चलो, इसलिए मैं आपके पास घूमने चला आया। अच्छा। हाँ महाराज। तो महाराज मैं काशी से होता हुआ आया, नया वेद पत्रा में लेके नया ही आया हूँ।